कितनी सुंदर चौपाई है। माता शबरी को भगवान श्री राम सात्वी भक्ति में समझाते हैं कि सारे जगत के नर नारियों को मेरे समान देखना, और यदि कहीं महान संत मिल जाए तो उनको मुझसे भी बड़ा देखना। संत को कितनी ऊंचाई पर खड़ा किया राम ने। अगर संत बनने की सामर्थ्य नहीं है, मत संत बनो। कौन कहता संत बनो? क्यों संत बनते हो? क्यों संत के कपड़े पहनते हो? ढोंग मत मचाओ इस भारत देश के अंदर, निकलो ढोंगियों यहां से। और संत बनने की हिम्मत है, साहस है, तो संत बनो, तो सच्चे संत बनो, महान संत बनो, क्योंकि भगवान से भी ज्यादा सम्मान संत को दुनिया देती है। इसलिए संत के जीवन में सभी बुराइयों का अंत होना चाहिए, और संत का दर्शन जो कर ले तो दर्शन करने वालों की जिंदगी बसंत हो जाना चाहिए, बसंत हो जाना चाहिए। जय की जय। ललन, श्री ललन यादव हैं। प्रयागराज कुंभ में आपने 10-12 दिन सेवा किया था, धन्य हो, बहुत अच्छे बैठो साहिब बंधु। इतना मैंने प्रवचन सुनाया है, 1.5 घंटा हो गया, तब जाकर के जय बोला है किसी से, पूरी मेरी जान निकल गई है बहुत ताकत लगाया। नाम ही इसका अजान है ना, अजान में बेजान सफल नहीं होगा, यहां जान। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। ये पंक्तियां कभी कभी अपने घर में गाया करो, गुनगुनाया करो, बर्तन मांजते समय, कपड़े धोते समय, गाड़ी साफ करते समय। ये भजन की पंक्तियां आपकी चिंता को कम कर देंगी। भोजन बनाते समय प्रवचन सुना करो मोबाइल से, मेरा नाम सर्च करो असंग, ASANG असंग, बस 4000 प्रवचन लोड पूरा थोक में समुद्र, सुनते रहो। प्रेम से भोजन बनाओ जिंदगी में, और करना क्या है? कुछ नहीं, यहां मिलने वाला कुछ है नहीं दुनिया में, ज्यादा कुछ नहीं। खुशी से जिंदगी जी लो, यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रेम से रह लो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबको प्रेम की दरिया में डुबा दो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबकी गम खा लो, सह लो, अपने संगठन को टूटने मत दो, परिवार की एकता और प्रेम को बना रहने दो। बस संसार में इसी में सुख है। राग द्वेष मत फैलाओ, ईर्ष्या भी मत करो किसी से, कुछ भी मिलने वाला नहीं। दिल के अंदर यदि ईर्ष्या है, राग द्वेष है, शांति नहीं मिलेगी। ईर्षु घृणी न संतुष्ट क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्योप जीवी च खड़े ते नित्य दुखिता, यद्रच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, समा सिद्धाव सिद्धोपि च कर्त्वापि न निबद्धते। ईर्ष्या की आग में रात दिन जलने वाले लोग कभी सुख चैन नहीं पाते। जो दूसरों की उन्नति देख करके प्रसन्न होता है, और दूसरों को दुखी देख करके जिसका मन दुखी हो जाता है, पद्म पुराण का ऋषि कहता है वो साक्षात धरती का हरि भगवान होता है, वो भगवत स्वरूप होता है, और भगवान कहीं अलग नहीं होता है। जो दूसरों की खुशी में खुश होता है और दूसरों के दुख में द्रवित होता है, ये भगवान का गुण होता है, यही भगवत लक्षण होता है। देवदत्त ने एक हंस को बाण मारा, हंस घायल होकर के गिरा,
गौतम ने उसको उठाया, गोद में लेकर के पानी पिलाया, सहला रहा। देवदत्त आता है और कहता, हंस मेरा है क्योंकि मैंने मारा है। गौतम कहते, हंस मेरा है क्योंकि मैंने बचाया है। दोनों में विवाद हुआ, राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहानी सुनी, राजा ने जवाब दिया, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए हंस गौतम का है। और वही गौतम जो हंस के दुख को सह नहीं सके, बचाने के लिए द्रवित हो गए, वही एक दिन भगवान बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध होते हैं, भगवान बुद्ध कहे जाते हैं। वे भी किसी माता पिता की संतान थे, वे भी मनुष्य के रूप में पैदा हुए थे। राजमहलों में उनका जन्म कहां हुआ, कैसे हुआ, ये छोड़ो बकवास, लेकिन मनुष्य का चेहरा है उनका और उनको भगवान बुद्ध माना गया। याद रखना, यदि आपके अंदर दया है, करुणा है, रहम है, तो ये लक्षण भगवान का है, फिर आप स्वयं भगवान के रूप है, भगवान के रूप है। ईर्ष्या द्वेष से बचो, जलन मत करना किसी से। कई बार लोग किसी का बढ़ता हुआ नाम देख करके जलने लग जाते हैं कि इसके नाम को बिगाड़ना है किसी तरह से। और याद रखना, आपका नाम बढ़ने लग जाए, धन धाम बढ़ने लग जाए, दौलत बढ़ने लग जाए, शक्ति बढ़ने लग जाए, तो ज्यादा विनम्र हो जाना, अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, किसी को सताने में शक्ति मत खर्च कर देना, अन्यथा शक्तियां पुनः एक कुदरत वापस लेना शुरू कर देती है। शक्तियां उसके पास में परमानेंट रहती हैं जो अपनी शक्तियों का सदुपयोग करता है, शक्तियों का प्रयोग दूसरों की रक्षा करने में करता है, उसकी शक्तियां निरंतर बढ़ती चली जाती है। जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, दूसरों को सताने में शक्ति खर्च करता है, वो एक दिन शक्तिहीन हो जाता है, वो शक्तिहीन हो जाता है।